आज का वीडियो जो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के दिन मैं बात करने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं, 396 आर्टिकल्स हैं। क्या हम इन 22 पार्ट्स को बाहर कर सकते हैं, क्या हम इनको याद कर सकते हैं? क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं कि कोई भी नंबर दे देगा या फिर कोई भी नाम दे देगा, बोलेगा बताइए कौन सा ये नंबर से या कौन सा पार्ट से कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आइए, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं विनीत यादव, आप सबका डन एवरीथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शुरू से हम देखने वाले ये है कि इन 22 के 22 आर्टिकल्स को किस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट पे दिया हुआ है, पहले पे आप देखेंगे तो दिया हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकंड पे दिया हुआ है सिटीजनशिप। थर्ड पे फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। फोर्थ पे क्या दिया हुआ है, डीपीएसपी दिया हुआ है। फिफ्थ पे क्या दिया हुआ है, द यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, यूनियन एंड सिक्स पे क्या दिया हुआ है, द स्टेट दिया हुआ है। सेवंथ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, सेवंथ मैंने आपको बताया नहीं है, सेवंथ आपको करना है। ठीक है, एट पे क्या दिया हुआ, द यूनियन एंड टेरिटरीज। नाइन्थ पे क्या दिया हुआ है, द पंचायत दिया हुआ है। ठीक है, टेंथ पे क्या दिया हुआ है, द शेड्यूल ट्राइबल्स ऑफ एरिया। ठीक है, शेड्यूल ट्राइबल्स एरिया पे कौन कौन रहता है। इलेवंथ पे क्या दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। ठीक है, ट्वेल्थ पे क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज के बारे में दिए हुए, फाइनेंस प्रॉपर्टीज एंड उसके किस तरह से वो यूज होते हैं, वो इसके बारे में बताया गया। 13 पे क्या दिया हुआ है, 14 पे। इस तरह से आप पूरी तरह से पूरे के पूरे 22 को आप बोल सकते हैं। ठीक है, फटाफट आप बोल सकते हैं विदाउट रुके हुए, बस आपको जो स्पीड है वो थोड़ा सा फास्ट करना है इसको, वर्ड को चेंज करने में। ठीक है, आपको ये नहीं याद करना है, आपको इस नंबर्स को याद करना है, और उसी ट्रिक को मैं फॉलो करने वाला हूं जो ट्रिक मैंने आपको बताई हुई थी। ठीक है, आइए उसी ट्रिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि इनको हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो आइए इस लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस लेक्चर को। तो फर्स्ट पे दिया हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो अब इसको कैसे बाहर कर सकते हैं, इसको याद कैसे कर सकते हैं। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आप ऐसा इमेजिन करिए कि वन से मैंने क्या बताया था, सन बताया था। ठीक है, वन पे मैंने सन बताया था। तो सन क्या है, सिंगल सन है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही सन है। तो उस सन की रोशनी अगर इंडिया पे जब पड़ती है तो इंडिया पे सारे स्टेटों में साथ में पड़ती है और उनके टेरिटरीज में भी साथ में पड़ती है। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी क्षेत्र पे और उस पूरे के पूरे यूनियन पे। ऐसा इमेजिन करिए कि जब सन की रोशनी पड़ती है तो पूरे के पूरे टेरिटरी क्षेत्र पे और हमारे यूनियन पे, सब जगह पे पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद हो गया पहला यूनियन टेरिटरी। अब सेकंड पे दिया हुआ है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप कैसे याद करना है, अब मैंने सिटीजनशिप नहीं याद किया, मैंने याद किया हुआ कि सेकंड नंबर पे शूज, फर्स्ट पे सन, सन की रोशनी यूनियन पे ही पड़ती है और टेरिटरी पे पड़ती है। दूसरे पे दिया सिटीजनशिप, सारे इंडिया के सिटीजनशिप क्या पहनते हैं, शूज पहनते हैं सबके सब, या फिर ऐसा बोलिए कि जो शूज पहनेगा वही इंडिया का सिटीजनशिप कहलाएगा। आप ऐसा इमेजिन करिए, रियल में है ऐसा, जब तक ऐसा इमेजिन नहीं करेंगे कि रियल में है तब तक चीजें याद नहीं होने वाली है। तो सेकंड पे क्या याद करना है, शूज। तो शूज पे क्या है, सिटीजनशिप। ठीक है, इंडिया में सिटीजनशिप उसी को मिलता है जो शूज पहनता है या शूज पहन के आता है। ठीक है, इस तरह से। अब थर्ड को मैंने ट्री बताया था, ट्री। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स, ट्री को बचा के रखना हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हमारा फंडामेंटल क्या है, राइट्स है। हम ट्री को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, हम ट्री को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फोर्थ पे क्या है, डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अब इसमें क्या है, डीपीएसपी पे क्या है, आप ऐसा इमेजिन करिए, फोर से क्या बनता था, डोर बनता है। मैंने फोर से डोर बताया था। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है कि मैंने जो वर्ड बताया था कि 100 वर्ड्स किस तरह से बाहर कर सकते हैं उसकी ट्रिक बताई थी, उस वीडियो को आप देखिए पहले, आप जाइए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा है वो कंटिन्यू कीजिए, उनको तो पता ही होगा कि किस तरह से मैं वर्ड को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फोर्थ पे क्या है, डोर। तो डोर में आप क्या डाल के रखे हो, डोर में आपने क्या डाल के रखा है, डीपीएसपी। डीपीएसपी को पूरा डोर में डाल के रखा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को आपने कहां पर रखा है, डोर में रखा है। ठीक है, फिफ्थ पे क्या है, नाइफ। फाइव से क्या, नाइफ। फाइव नाइफ, फोर डोर, थ्री ट्री, टू शूज, वन सन। तो फाइव पे नाइफ, फाइव नाइफ। हमारे यूनियन में जितने भी लोग हैं, हमारे पूरे के पूरे यूनियन में सबके पास क्या होता है, नाइफ होता है, चाकू होता है। हमको दिया गया है नाइफ कि आप हमारे यूनियन में रहते हैं इसलिए आपको क्या रखना है, नाइफ रखना है। आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपको दिया गया है। ठीक है, आप यूनियन में है तो आपको नाइफ दिया गया है। ठीक है, अब फिफ्थ हो गया, सिक्स पे क्या दिया हुआ है, सिक्स से विक्स। विक्स हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सब स्टेट वाले क्या करते हैं, विक्स लगाते हैं। क्या करते हैं, विक्स। इमेजिन करिए कि इंडिया में जितने भी स्टेट है सब पूरे स्टेट वाले क्या करते हैं, विक्स लगाते हैं अपने सर पे। क्या लगाते हैं, विक्स, सारे के सारे स्टेट वाले। सिक्स विक्स। ठीक है, सेवन आप मुझे बताएंगे, सेवन का मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, ना उसके ये बताऊंगा ना आपको
ट्रिक बताऊंगा ये मुझे, प्लीज आप कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आपको आ रहा है। आप कमेंट करिए, अगर आप वीडियो जितने लोग वीडियो देखते हैं प्लीज कमेंट करिए, गलत ही करिए बट करिए, नहीं आता है तो भी करिए, बताइए कि नहीं आ रहा सर प्रॉब्लम हो रही है वो भी बताइए, मैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बट कमेंट करिए, ठीक है। सेवन, एट पे, एट से क्या होता है सेट, तो सेट के रेंज में अगर सेट बोला जाए, एट सेट, तो सेट क्या करता है, सेट हमेशा मालिक होता है, उसके क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम होते हैं, मतलब उसके अंडर में बहुत ज्यादा लोग होते हैं तभी हम उसको क्षेत्र बोलते हैं ना, सेट बोलते हैं ना, सेट बोलते हैं। तो यूनियन एंड टेरिटरी, द यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी जितनी भी यूनियन हमारे भारत की यूनियन टेरिटरी है पूरी की पूरी किसके हाथ में है, सेट के हाथ में है, ठीक है। सेट एट, तो सेट एट, तो एट नंबर पे क्या है यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब नाइन्थ पे क्या है वाइन, नाइन पे वाइन, एट पे सेट, नाइन पे वाइन, तो वाइन जो लोग पीते हैं पंचायत वही रखते हैं, जो लोग वाइन पीते हैं पंचायत वही रखते हैं, पंचायत कौन रखता है ऐसा पूछा जाए, पंचायत कौन रखता है, तो पंचायत कौन रखता है जो वाइन पीता है, ठीक है। वाइन पीने वाले क्या करते हैं पंचायत रखते हैं, तो नाइन पे क्या हो जाएगा वाइन, ठीक है। आइए नेक्स्ट, टेन, टेन पे क्या दिया होता है शेड्यूल कास्ट ट्राइब एंड एरिया, ठीक है उसकी एरिया, तो टेन पे क्या है हेन, टेन पे क्या है हेन, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया पे क्या है हेन, कैसे याद करेंगे देखो, ये नंबर है टेन पे, तो टेन को आपको आप कभी भी देखें तो आपको तुरंत क्या आना चाहिए शेड्यूल ट्राइब एंड इट्स एरिया, तो कैसे याद आएगा आप ऐसे इमेजिन करिए कि टेन पे क्या है हेन है, टेन पे हेन, नाइन पे वाइन, एट पे सेट, सेवन पे हेवन, ठीक है इस तरह से, तो टेन पे क्या हेन है, तो जितने भी शेड्यूल ट्राइब के एरिया है हमारे इंडिया में, शेड्यूल ट्राइब्स की जितने भी एरिया है सब पे कौन रहता है हेन रहते हैं, मुर्गियां रहती हैं सब जगह पे मुर्गियां रहती है, ठीक है पूरी मुर्गी तरह से भरे भरे रहते हैं, ठीक है इस तरह से आपको बोलता है टेन हेन। नेक्स्ट इलेवन, इलेवन पे क्या है, इलेवन पे पहले देखो थोड़ी सी चेंजेस लानी है, क्यों लानी है बताता हूं, उसका रीजन ये है क्योंकि इलेवन पे मैं अभी टाटा रख दिया था, पहले मैंने इसको दादा रखा था बट अब मैं टाटा कर देना चेंज कर देना, उसका रीजन ये है क्योंकि जब आप आगे चल के थोड़ा अगर आपने आप भी नंबर मेमोराइज करना स्टार्ट कर देंगे, आप भी अगर 50 नंबर 60 नंबर मेमोराइज करना एक मतलब 10 मिनट में 5 मिनट में स्टार्ट कर देंगे उस समय आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्यों क्योंकि आप 22 पे दादा हो जाते हैं, सॉरी हाँ 22 पे नाना हो जाते हैं और 11 पे दादा हो जाते हैं, फिर 33 पे मामा हो जाते हैं, तो आप बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, 66 पे आप कभी चाचा बोल देते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, स्टोरी में ही भूल जाते हो कि चाचा थे कि मामा थे कि नाना थे कि दादा थे, इसलिए मैंने इसको चेंज किया हुआ। इसका रीजन ये है कि मैं अब 11 पे टाटा बोलने वाला हूँ ना कि दादा बोलने वाला हूँ, हम टाटा बोलेंगे, ठीक है। तो टाटा स्टील कंपनी, जो कंपनी है टाटा की हमारे इंडिया में, जो स्टील टाटा कंपनी है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन यूनियन, ठीक है, एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट के बीच में जो रिलेशन बना के रखता है वो कौन है, टाटा वाला है, कौन है टाटा वाला है, जो यूनियन एंड हमारे स्टेट के बीच में क्या बना के रखता है, रिलेशन बना के रखता है। तो कभी पूछा जाए हमारे इंडिया हमारे यूनियन स्टेट के बीच में रिलेशन कौन बना के रखता है, तो टाटा बना के रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है 12, 12 पे क्या है, 12 पे है डॉन, 12 पे क्या है डॉन, तो अब डॉन कौन होता है, डॉन जो होता है सबसे बड़ा होता है, वो किसी को मार सकता है, किसी की प्रॉपर्टीज क्या कर सकता है, हड़प सकता है, किसी की भी टेरिटरीज को क्या कर सकता है, कब्जे में कर सकता है। तो अब 12 पे डॉन है, तो डॉन क्या करता है, फाइनेंस, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियों को लूटता है, फाइनेंस प्रॉपर्टीज को लूट लेता है लोगों की, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो लेना चाहता है वो ले सकता है। तो इस ये जो हुआ फाइनेंस प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रैक्ट सूट्स ये कौन करता है, डॉन करता है, हम नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते, ये डॉन क्या करता है, ये सब डॉन वाला करता है, ठीक है, जो डॉन होता है वो करता है। अब 13 पे क्या, मैंने 12 पे क्या बताया था डॉन, और 13 पे मैंने बताया था टीम, क्या बताया था टीम, तो अब टीम में कैसे कर सकते हैं, टीम वाले हमारे इंडिया की टीम वाले क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं हमारे टीम, ऐसा इमेजिन करिए कि हमारे इंडिया में जो टीम है जो 11 प्लेयर्स है टीम इंडिया वो क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, कमर्शियल ट्रेड, ट्रेड कमर्शियल किसके बीच में, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमारे इंडियन प्लेयर क्या कर रहे हैं, ट्रेड ऑफ कॉमर्स कर रहे हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स किसके बीच में, सॉरी कहां पे कर रहे हैं, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के क्षेत्र के अंदर ना कि बाहर, तो टीम वाले क्या कर रहे हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब 14 पे क्या दिया हुआ है, 14 को हम किस तरह से बोल सकते हैं, 14 को मैंने वहां पे दारू बताया था, आप दारू से भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप डॉक्टर भी लगा सकते हैं, डीआर डॉक्टर दारू, एक 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 नंबर्स के वर्ड को बहुत ज्यादा भी रखेंगे चलेगा, ठीक है, दो तीन रखिए बट आपको पता होना चाहिए, बस मेरा मेन मकसद आपको पता होना चाहिए। अब मुझे कैसा डीआर भी याद है दारू भी याद है, जब भी मैं जो चाहूं यूज कर सकता हूं, ठीक है, तो इस तरह से आप याद करके रखिए दोनों भी।
तो अब डीआर, मैं डीआर इसलिए यूज कर रहा हूँ कि डीआर इसमें ज्यादा सेट हो रहा है। तो डीआर डॉक्टर क्या करते हैं, हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे भी वही होगा, सर्विस दे रहा है कौन, डॉक्टर दे रहा है सर्विस इन द यूनियन, ठीक है, अंडर द यूनियन एंड स्टेट, अंडर द यूनियन द स्टेट, ठीक है, स्टेट और यूनियन के अंडर में रहकर क्या दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डीआर। ऐसा इमेजिन करके बस हमको याद करने से मतलब है, ठीक है, डीआर। और आपको इनको इनके बारे में समझना है तो आप नेट यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से आपको समझा जा सकता है, मैं भी समझा सकता हूँ, बट अभी यहाँ पे ट्रिक चल रही है तो हम सिर्फ ट्रिक के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो 14 पे क्या हो गया, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, ये हो गए 14। अब 15 पे क्या है, 15 पे क्या हम लोगों ने बनाया था, 15 से मैंने बताया था तेल, ठीक है, 15 से क्या बताया था तेल। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि तेल 15 पे क्या है, इलेक्शन है, कैसे याद आया, मैंने ऐसे इमेजिन किया हुआ है कि तेल जो लगाते हैं, जो सर में बहुत ज्यादा तेल लगाते हैं, जिनका तेल यहां से चूता है यहां से भी, ठीक है, पूरे सर में पूरा तेल भर लेते हैं, इलेक्शन में वही खड़े हो सकते हैं, बाकी कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। देखिए जितना ज्यादा फनी बनाएंगे, जितना ज्यादा कॉमेडी बनाएंगे, उतनी ज्यादा चीजें याद रहने वाली है, तो जितना हो सके उतना ज्यादा कॉमेडी बनाइए। तो सर पे जो बहुत ज्यादा तेल लगाता है वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, बाकी इलेक्शन में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 पे क्या है, इलेक्शन। अब 16 पे क्या दिया हुआ है, 16 को मैंने तेज बनाया था, अब 16 को मैं यहाँ पे डॉग बना दे रहा हूं, क्या कर रहा हूँ डॉग, ठीक है, 16 को डॉग बना दीजिए। 16 को डॉग कैसे कर देंगे, अब डॉग क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको जो प्रोविजन दिए गए स्पेशल कास्ट के लिए दिए गए, ठीक है, स्पेशल क्लासेस के लिए दिए गए हैं, तो मैंने सोचा कि अगर हम डॉग को ही स्पेशल क्लासेस के रूप में रख देंगे, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसी भी चीज रखी गई है जो डॉग के लिए बनी हुई है, क्या रखी गई है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस, सर्टेन क्लासेस कुछ अलग क्लासेस के लिए बोली गई है, वो है कौन डॉग, ठीक है। तो कभी भी आप डॉग सुनेंगे तो आपको तुरंत सर्टेन क्लासेस याद आएगा, एक प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन होता है डॉग के लिए, स्पेशल प्रोविजन होता है, ठीक है। तो डॉग के लिए क्या है कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस, ठीक है, ये हो गए 16। 17, ठीक है, 17 पे देखिए, 17 का हम लोगों ने क्या बताया था, 17 पे पहले तो अब यहाँ पे देखिये 17 पे दिया हुआ है लैंग्वेज, ठीक है, 17 का मैंने बताया था टाका। तो अब देखिए किस तरह से मैं दोनों को जोड़ता हूँ, टाका और लैंग्वेज। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि इंडिया में बहुत सारे 22 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, अब इनमें क्या हो रहा है कि अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग बोल रहे हैं, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये इस लैंग्वेज का है, उसके सर में उस वर्ड का, उस लैंग्वेज का टाका मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, टाका लगा हुआ मिलेगा। अगर हिंदू है तो हिंदू ऐसा मिलेगा, हिंदी लैंग्वेज बोलता है, इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश लैंग्वेज का टाका मिलेगा, ऐसा इमेजिन करिए, ठीक है, जैसे इमेजिन करेंगे तुरंत याद हो जाएगी। तो आप टाका देखेंगे किस लैंग्वेज की, जिस लैंग्वेज का वो व्यक्ति होगा। तो ये हो गया 17, ठीक है, 17 पे क्या है, लैंग्वेज। अब 18 पे मैंने क्या बताया था, 18 पे मैंने आपको बताया था तावा, ठीक है, तावा। 18 पे है इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन है, इमरजेंसी कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी कब लगेगी, 18 पे है ना, 18 पे तावा, 18 को तावा। आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपके घर का तावा चोरी हो गया, आपके घर का तावा क्या हो गया, चोरी हो गया, और जैसे ही आपके घर का तावा चोरी होता है आप तुरंत पूरे के पूरे भारत में इमरजेंसी लगा देते हो कि मेरा तावा मुझे चाहिए, किसी भी हालत में मुझे मेरा तावा चाहिए। सोचिए ऐसा रियल में कभी होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉमेडी बना रहे हैं, कॉमेडी जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा चीजें याद रहेंगी। तो आप किस कॉमेडी बनाए कि तावा आपका चोरी हो गया, तो आपने पूरे के पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दिया, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन कर दिया, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी लगा दिया, ठीक है। तो 18 पे इमरजेंसी प्रोविजन। नेक्स्ट 19, देखिए जितना ज्यादा कॉमेडी हो सके उतना ज्यादा बनाइए, जरूरी नहीं कि उसका मीनिंग भी सेम हो, मतलब कहने का अर्थ है कि इसका मीनिंग हमको मन से ही बना के याद करना है, मन से बना के याद कर सकते हैं क्योंकि हमको उसमें एक स्टोरी मिल जा रही है, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है, एक स्टोरी मिल जा रही है तो आप उन दोनों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, बाकी हम लिखने वाले तो इमरजेंसी प्रोविजन ही है, ठीक है, तावा इमरजेंसी प्रोविजन थोड़ी लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अगला क्या दिया हुआ है 19 पे, मिसलेनियस। अब इसमें क्या दिया, प्रकीर्ण, मिसलेनियस मतलब क्या होता है कि सारी चीजें एक जगह पे दी रहती है, ठीक है, आप जैसे कि कोई एक्सरसाइज पढ़ते हैं तो एक्सरसाइज के लास्ट में मिसलेनियस दी रहती है, ठीक है। तो उसी तरह से आप 19 पे डीपी, डीपी रखिए याद, क्या रखिए, डीपी। 19 पे डीपी, टीवी भी मैंने बताया था बट यहाँ पे डीपी रखिए, टीवी भी आप रख सकते हैं, आप जो रखना चाहते रख सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा वर्डों को मेमोराइज करने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा वर्ड अपने पास रखेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपका मेमोरी ग्रोथ उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप 19 पे क्या है, डीपी, डीपी मैंने बोला, ठीक है, डीपी रखा आपने, आपके फोन में एक मिसलिनियस डीपी रखा, मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के डीपीओ वाले एक प्रकार के डीपी ऐसे फ्रेम में बना के आपने डीपी सेट कर दिया अपने व्हाट्सएप की।
ठीक है। अब व्हाट्सएप की डीपी जब भी याद आएगा तो आपको याद आएगा कि डीपी क्या होता है 19। व्हाट्सएप डीपी जब भी बोलना तो आपको क्या याद आएगा कि डीपी मिसलिनियस, ठीक है। मिसलिनियस मतलब यहाँ पे जो प्रोविजन दिया हुआ 19 पे, जो हमारा पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब 20 पे क्या दिया हुआ है, 20 को मैंने आपको बताया था नासा, 20 का क्या बताया था नासा। तो अब आप ऐसा इमेजिन करिए कि 20 पे नासा जो है, नासा वाले ही ऐसा व्यक्ति है जो हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट करके चेंज कर सकते हैं। अमेंडमेंट मतलब होता है अनुसंधान, ठीक है, सुधारना उसको। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कर सकता है, सिर्फ नासा वाले ही कर सकते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट कौन ला सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सिर्फ नासा वाले ही ला सकते हैं, हमारे इंडिया में कोई नहीं ला सकता। ये सिर्फ कहने की बात है ना, कॉमेडी बनाना है, कॉमेडी बन गई, हमको याद हो गया। अब नासा आप कभी भी सुनेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का 20वां पार्ट, ठीक है, कि नासा वाले भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, बाकी कोई नहीं ला सकता, ठीक है। हमको कॉमेडी बनाना है, ऐसा रियल में नहीं है, हमारे भारत में हमारे पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाव कर सकती है, ना कि नासा वाले, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं। बट हमको मेमोरी, हमको कॉमेडी बनाना है, याद करना है, याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 21 पे आंटी है, ठीक है, 21 पे मैंने आपको आंटी बताया था। तो आंटी एक ऐसी औरत है जो कि स्पेशल प्रोविजन ला सकती है, क्या कर सकती है, कि स्पेशल प्रोविजन ला सकती है कुछ टेम्पररी के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए क्या कर सकती है वो, टेम्पररी ट्रांजेक्शन एंड स्पेशल प्रोविजन, कुछ समय के लिए स्पेशल प्रोविजन लागू कर सकती है हमारी आंटी, जो हमारी घर की आंटी है, बाहर की आंटी है। आप अपनी आंटी को इमेजिन करिए कि वही एक आंटी ऐसी है जो टेम्पररी प्रोविजन ला सकती है, स्पेशल टेम्पररी प्रोविजन, ठीक है। तो कौन लाएगा, वो आंटी लाएगी, आंटी को कोड करेंगे तो 21 निकलता है, ठीक है। 22 पे नाना है, 22 पे क्या है, नाना। तो नाना ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टाइटल डेटा एंड कमेंसमेंट एटसेट्रा ला सकते हैं, वो कौन है, तुम्हारे नाना जी, ठीक है। तो ये टोटल हो गए 22 पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तुरंत आपको अगर नहीं याद हुआ रहेगा तो आप अभी एक काम करिए, मैं अभी अब नंबर्स बोलता हूँ, ठीक है, आप फटाफट मन में बोलिए, ठीक है, फटाफट अंदर मन ही मन में बोलते जाइए कि वो कौन सा हो सकता है, देखिए आप बोल पाते हैं कि नहीं, ठीक है। नंबर 1 पे है सन, ठीक है, सन, सन पे क्या है, ठीक है, आप स्टेट में आपकी टेरिटरी सब जगह पे क्या पड़ रही है, यूनियन और आपकी स्टेट पे, सॉरी यूनियन एंड टेरिटरी पे क्या पड़ रही है, आपकी पूरी की पूरी लाइट पड़ रही है, ठीक है। तो आपका पहले क्या होगा, यूनियन एंड टेरिटरी। सेकंड पे क्या दिया हुआ, शूज, तो शूज पहनेगा जो वही, ठीक है, सिटीजनशिप होगा। थर्ड पे ट्री, तो क्या है आपका, फंडामेंटल, ठीक है। फोर्थ पे क्या है, डोर, डोर में क्या रखते हो, डीपीएसपी। फिफ्थ पे नाइफ, नाइफ से क्या होगा, कौन लाइन नाइफ लेके घूमता है भारत में, ठीक है, बोलते जाइए मन में बोलते जाइए। सिक्स विक्स, कौन लगा के घूमता है विक्स। सेवन आपको करना है, एट सेट, कौन होता है सेट, इसके हाथ में बहुत बड़ा साम्राज्य हो, ठीक है, वो क्या है आप सोचिए जरा, ठीक है। नाइन वाइन, वाइन पीता है कौन, चलाता है क्या चलाता है वो, पंचायत, ठीक है, ऐसे बोलते जाइए मन में बोलते जाइए। नाइन पे क्या है, वाइन, वाइन पीने वाला क्या करता है, टेन हैन, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स एंड एरिया। इलेवन ट्वेल्व, इस तरह से आप खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, अभी ज्यादा यहाँ पे टाइम हो जाएगा तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए। मैं एक बार फटाफट बोल के आपको दिखा देता हूँ, वन पे सन है यूनियन टेरिटरी, सेकंड पे शूज है सिटीजनशिप, थर्ड पे फंडामेंटल राइट ट्री, फोर्थ पे डोर डीपीएसपी, फिफ्थ पे नाइन द यूनियन वाले क्या करते हैं, नाइफ रखते हैं, सिक्स पे विक्स, हमारे स्टेट वाले विक्स ला के घूमते हैं, सेवन का आप बताएंगे, एट पे क्या है, द यूनियन टेरिटरी, एट का सेट, सेट क्या करता है, यूनियन टेरिटरी, उसके अंडर में पूरी की पूरी यूनियन टेरिटरी है। नाइन्थ पे क्या है, पंचायत, वाइन पीने वाले ही पंचायत चलाते हैं। टेंथ पे क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स एंड इट्स एरिया, तो टेंथ पे क्या है। इलेवन पे क्या है, इलेवन पे हमारे टाटा जी हैं, टाटा जी क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन बना के रखते हैं यूनियन एंड सेंट्रल एंड हमारे स्टेट के बीच में, ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ट्वेल्व पे क्या था, डॉन, डॉन क्या करता है, फाइनेंशियली, ठीक है, प्रॉपर्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं सबके सब वही लेता है, ठीक है, 12 डॉन, ठीक है। 13 पे मैंने क्या टीम बताया था, टीम वाले क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं कमर्शियल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 14 पे क्या, डॉक्टर क्या करता है, सर्विस देता है, स्टेट एंड यूनियन दोनों को देता है, ठीक है। 15 पे क्या बताया था मैंने, तेल बताया था, जो तेल लगाते हैं वही इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, ठीक है। 16 पे मैंने क्या बताया था, 16 पे मैंने डॉग बोला था, ठीक है, डॉग क्या करते हैं, डॉग के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल क्लासेस की, स्पेशल सर्टेन क्लासेस की क्या है, अमेंडमेंट रखा गया, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस, एक प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है नहीं बट बोल रहा हूँ, ठीक है, याद करने के लिए। 17 पे मैंने क्या बोला था, लैंग्वेज टाका, अलग अलग लैंग्वेज के लोग बोलने वाले हैं, उनके अलग अलग सर पे उनके लैंग्वेज की टाका मिलती है, ठीक है। 18 पे क्या है,
18 पे इमरजेंसी प्रोविजन कब लग जाएगा, जब आपका तावा घूम जाएगा। 19 पे मिसलिनियस डीपी, ठीक है। 20 पे क्या है, यहाँ पे नासा वाले क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 21 पे क्या है, आंटी है जो कि स्पेशल प्रोविजन कुछ टेम्पररी समय के लिए रख सकती है। 21 पे टेम्पररी ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। 22 पे क्या है, शॉर्ट टाइटल डेटा एंड कमेंसमेंट, ये कौन कर सकता है, हमारे नाना जी। तो ये पूरे के पूरे 22 मेरे ख्याल से तो याद हो गए रहेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज तुरंत लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से, और मैं कुछ तो आपसे मांगता नहीं हूं कि ऐसा कुछ कर दीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ यही बोलता हूं कि वीडियो लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो, अगर नहीं खराब लगता है तो आप डिसलाइक करिए, बट नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आप बोल सकते हैं, निश्चिंत रहिए, आप जो बोलना चाहें नीचे बोल सकते हैं कमेंट करके। पसंद आता तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। जो भी आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड्स में, सर्कल में जो भी ऐसे लोग हैं जिनको इस वीडियो की जरूरत है, आप उनको तुरंत क्या कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गए पूरे 22 के पार्ट्स। अब मेरे ख्याल से तो इसमें से नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं अपने ही ट्रिक में से लोगों को इसमें से बनाता हूं, अपनी ट्रिक, मैं ट्रिक को ज्यादा चेंज नहीं करता हूं। यही रीजन है कि ताकि आप लोग उस चीज को भूले ना, ठीक है, उस चीज को नहीं भूलेंगे। और आपको एक ही नाम में कम से कम 2-3 चीजें याद होनी चाहिए, एक ही नाम में, कि अगर ये बोला गया तो इससे ये भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, कंफ्यूजन नहीं होगा, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। आप अगर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, उल्टा आपको चीजें और ज्यादा याद रहेंगी, ठीक है, और मेमोरी आपकी पूरी शार्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अगर आप लोग कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि सर इस टॉपिक को बनाइए, आप नीचे निश्चित होकर कमेंट कर दीजिए कि इस टॉपिक को मुझे चाहिए, मैं अवेलेबल करा दूंगा उसके जस्ट वीडियो में। इस वीडियो में भी किसी ने कमेंट किया हुआ था, ठीक है, ये वीडियो में लाने वाला नहीं था, बट कमेंट की वजह से मुझे ये वीडियो भी लाना पड़ा। तो आप लोग कमेंट करते मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी एक टॉपिक मिल जाता है कि चलिए इसी टॉपिक पे बना दिया जाता है एक वीडियो, ठीक है। तो आप कमेंट करिए, चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए अपना।